हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यदि आप नेक्स्ट ईयर 2024 में यूपी से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, इसे पहले हम बीटीसी कहते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों आपके मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होने चाहिए, एडमिशन का क्या प्रोसेस है गाइस नेक्स्ट ईयर 2024 में उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, क्या कट ऑफ जाता है दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का, 2023 में कितने परसेंट वालों को गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला था और कितने परसेंट तक जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट ईयर क्या कट ऑफ जा सकता है और मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या निर्धारित किया गया है पीएनपी के द्वारा, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर आप यूपी से दोस्तों बीटीसी डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपका दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जनरल से हो तो ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए और 5% का दोस्तों रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SST OBC रिजर्व कैटेगरी से जो आते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन PWD के लिए, ठीक ना, तो 5% 45% भी है अगर आपकी ग्रेजुएशन में बीए में, तो भी आप जो है बीटीसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अब गाइज, यहाँ पर क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपके कितने परसेंट होने चाहिए, 2023 में कितने परसेंट वालों को जो है एडमिशन हुआ था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखें, अगर आप जनरल से हो तो 2023 का जो कट ऑफ गया था गाइस ये 235 गया था, 235 पर ही गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला था। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था ये गया था गाइस 230, एससी का गया था 220 और एसटी का गया था 210, और जो स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती है उनका गया था गाइस 205 के आसपास गया था, और पीडब्ल्यूडी का लगभग 190 के आसपास गया था। क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं ये गाइस कैटेगरी वाइज सीटें रिजर्व की गई है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा सीटें रिजर्व की गई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 2024 की बात करें, क्या कट ऑफ जा सकता है गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज का, तो आप वही लगा लो, 1-2% का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन गाइस देखिए, 2023 में क्या है ना कि बिहार में वैकेंसी आया था, तो ऐसे में डीएलएड वालों को गाइस प्राइमरी में मौका दिया गया था, तो इस वजह से गाइस बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए थे, 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे और 2,20,000 स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन हुआ था, तो सोचिए कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। देखिए, अगर हम फीस की बात करें दोस्तों, तो यूपी में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की जो फीस है ये 20,000 रुपये होती है और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है दोस्तों ये 82,000 रुपये होती है, ठीक ना। इससे 1 रुपये भी ज़्यादा चार्ज प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं कर सकते क्योंकि ये योगी जी का आदेश है, ठीक ना। और साथ में दोस्तों आप लोग जो है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम 2024 में कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ दोस्तों सेम ही है, 1-2% का अंतर जाएगा, बाकी सेम ही जाएगा जो मैंने आपको बताया 2023 का, ठीक ना। और अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की बात करें तो 150 भी आपके परसेंटेज बन रहे हैं तो भी हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लाखों में है, और गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं ये 10,600 हैं। अब एडमिशन की बात करें तो पिछले साल आपका जो एडमिशन है 2023 में ये 2 जून से स्टार्ट हुआ था, तो यही आप लगा लो मई जून में आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा।